बड़ी खबर इस वक्त की ग्वालियर से आ रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की विधानसभा में पानी की किल्लत, पेयजल की कमी के चलते सड़क पर उतरे लोगों ने स्थानीय विधायक और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का किया घेराव। मंत्री के सामने ही लगा दिए मंत्री के नाम लेकर मुर्दाबाद के नारे। तस्वीरों में कहते नजर आए, हमें नहीं मिला पानी। वार्ड क्रमांक 36 में 3 दिन से नालों में पानी नहीं आने से स्थानीय लोग थे परेशान। सूचना मिलने पर आधी रात को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर लोगों की समस्या का निराकरण करने पहुंचे थे। बिना सुरक्षा पहुंचे मंत्री को लोगों ने घेरा तो पुलिस ने आकर मंत्री को निकाला। पानी न मिलने से आक्रोशित लोगों को देर तक समझते रहे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। गेंडे वाले सड़क इलाके में 3 दिन से नहीं आया पानी। मुझे मालूम पड़ा कि बाढ़ की गेंडे वाले सड़क में पानी की समस्या है, तो मेरे को 11:15 बजे मालूम पड़ा। इससे निकल करके 11:30-12 बजे आया हूँ। निश्चित रूप से पानी की समस्या है, उसका समाधान करना हम लोग उसका समाधान करेंगे। मैं इसमें कुछ नियम कायदों में बदा हुआ हूँ, इस आदमी को मैं नहीं कर सकता हूँ। आचार संहिता लगी हुई है, पुलिस की जरूरत नहीं है।